What's up guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है साहिल मलिक और एक और फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो guys, फिर से मैंने बोला था कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा, बट मैं रेगुलरली वीडियोस डाल नहीं पाया ड्यू टू सम रीजन। थोड़ा काम में बिजी था और दो चार चीज़ें और आ गई थी सर पे, बट फाइनली अब हम फ्री हैं वीडियोस डालने के लिए और गाड़ी का कंटेंट बनाने के लिए। बढ़िया बढ़िया। तो guys, अभी हम घर से निकल चुके हैं और ये गाड़ी जो है ना, मतलब आपने लास्ट जो वीडियो नहीं थी उन्हें 400-500 किलोमीटर चली थी, अब 850 किलोमीटर चल चुकी है। महीना हो गया, लोग पता नहीं महीने में 4-5 हज़ार चलाए थे नई गाड़ी लेती है और हम देखो 1000 किलोमीटर नहीं चला पाए। तो गाइस इसकी 1000 वाली जो सर्विस होती है ना, मतलब चेकअप ही होता है उसके अंदर, तो मेन वो सर्विस भी ड्यू है, वो सर्विस भी करानी है। और ये पॉलिथीन वगैरह जो लगे हैं ये भी उतारने हैं, क्योंकि अमीशा को बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है इस पर बैठने से। भाई कहती है यार गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये भी रिमूव करनी है। दो चार काम और भी हैं, सारे काम करेंगे, बट अभी फर्स्टली मैं कम से कम एक महीने से ना वर्कआउट करने भी नहीं गया हूँ। और मैं वर्कआउट नहीं करता ना, तो मुझे ऐसा नहीं है कि बॉडी बनानी है इसलिए वर्कआउट करना। वर्कआउट करने से क्या होता है, थोड़ा आपका स्वेट निकलता है ना, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। एक महीने से वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि बताया आपको जैसे कि ऑक्यूपाइड था। तो अभी चलेंगे सीधा वर्कआउट करने, वर्कआउट करेंगे उसके बाद फिर बाकी सारे काम करेंगे। तो चलते हैं गाइस, मतलब आप लोग भी साथ ही चल रहे मेरे, चलो। तो गाइस हम जिम पहुंच चुके और गाड़ी पार्क कर दी हमने अपनी, चलते हैं जिम, वर्कआउट करते हैं थोड़ा और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं जिम से वर्कआउट करके, और भाई पूरे महीने बाद वर्कआउट करें ना तो ऐसे हो रहा है जैसे बहुत हालत बुरी हो गई है भाई। तो वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया। तो गाइस मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता था। मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी इस गाड़ी पे एक ट्रिप, और वो ट्रिप अभी फुली डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, डिसाइड भी जल्दी हो जाएगा। जिसके लिए मैंने ट्रिप के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं गाड़ी के लिए, मतलब गाड़ी में जो चीज़ों की नीड है, बाय चांस ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए, बाय चांस कुछ करना पड़ जाए, सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर दी हैं। अभी घर चलते हैं और पता नहीं महीने से मंगवा रखी है बट अनबॉक्सिंग ही नहीं करी है, तो अभी सारी चीज़ें वो ओपन करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। बाकी उसके बाद अपने घर की जो वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो भी अब जल्दी से आने वाली है, क्योंकि अपना जो रूफ़ है अपनी वो रेडी हो चुकी है। विद इन मतलब इसके एक दो व्लॉग्स बाद ये अगला व्लॉग ही हो सकता है कि मैं आपको अपना पूरा घर का टूर दूँ, जो नया घर है छोटा सा घर, बट बहुत प्यार से मेहनत से हमने बनाया है, मतलब खुद ईंटें नहीं लगाई हैं, हमने डेकोरेट करा है और सब कुछ बहुत ध्यान से प्यार से करा है। घर ज़्यादा बड़ा नहीं है बट यार हमारे लिए बहुत अच्छा है वो। तो गाइस हम घर तो आ गए थे वर्कआउट करके, अभी हम जा रहे हैं रजौरी, और मैंने लो उससे पहले ना ज़रा ये उतार देते हैं, है ना यशिक, ये उतार देते पूरी गाड़ी का, फाड़ दो, यस फाड़ो, सब उतार दो। मम्मी को भी नहीं अच्छा लगता आपकी, मम्मी कह रही थी आप उतारते नहीं, इतने दिन हो गए इतनी गर्मी हो जाती है। तो गाइस पहले एक बार सारे रिमूव कर देते हैं, तो सारी सीटों से हट गया, अब देखो थोड़ी क्लीन लग रही है ना। तो हम पहुंच चुके हैं रजौरी गार्डन, और भाई यहाँ पर आते हैं तगड़े रिएक्शंस, अभी देखते हैं। वैसे तो ट्रैफिक ही बहुत है, आज संडे है ना, देख लो क्या ट्रैफिक लगा हुआ है भाई पूरा का पूरा। तो हमने अमीशा को उतार दिया, जो इसका अपना काम है अपना काम करेगी, और हम दोनों क्या करेंगे यशविक, क्या करना है हमने, कहाँ चले बता, इधर देख के बोला करना। यहाँ पर क्या है, मोमोस खाने चले वीटले सोनी बेकर्स पे, वो तो कल फ्राइडे में है। ये देख लो भैया को, अपनी गाड़ी छोड़ के हमारी गाड़ी पे ध्यान है, भस्सड़ है भाई आज तो, गंदी भस्सड़ है। और ये अब आएंगे लोग रिएक्शंस, शूज आपके पास बहुत सारे हैं, अभी अभी घर का सारा सामान है ना, हेलो 20 शूज निकले आपके जो फेंके हमने, वेस्ट करते हो आप। तो भाई रजौरी आने का एक और मतलब सीन था आज, क्योंकि आज हमारे मेरे दो फूफा हैं, तो मेरे जो बड़े वाले फूफा आज है उनका 60th बर्थडे। तो मेरा जो ब्रदर है हन्नी, आपने देखा ही होगा जो मेरे साथ अलॉयज वगैरह लगाने गया था और बहुत से ट्रिपों पे भी गया, वो सरप्राइज दे रहे अपने पापा को आज 60th बर्थडे का। तो हमने शाम को फंक्शन पे जाना है, तो वही होता लेडीज का क्या होता है कि भाई कहीं भी जाना है उससे पहले हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने को, कपड़े लो, अब ये कपड़े लेगी अपना, हम अपने कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर चलेंगे घर, क्योंकि साइयश को घर छोड़ के आए हैं ना मम्मी के साथ। नहीं, फिर क्या कह रहा है, फिर मम्मी को लेंगे,
मम्मी को नहीं ले रहे, मम्मी को यहीं छोड़ जाएंगे, अपने आप आ जाएगी तेरी मम्मी। नहीं नहीं क्या, तेरे को भी छोड़ दूंगा यहीं। और कैंडी ले लो, कैंडी। ये देखिए देखिए भैया को देखिए बोले कैसे से लग रहे हैं ना, ये जोकर की ड्रेस पहनी इन्होंने। रिएक्शंस रिएक्शंस रिएक्शंस। पापा मैं चाहती हूं ले लो। अच्छा ओए देखो तोन निकला हुआ, तोन निकला हुआ जोकर। ये देखो इसकी तोन निकली है, बढ़िया क्यूट जोकर लग रहा है भाई। आज तो गलत भसड़ है, उस दिन एकदम खाली था, आज देख लो संडे है ना, सारा भरा पड़ा है। हाँ यहाँ रख दो। और ये इन्होंने दिया आज कि खाना बन जाएगा तो ये बच पड़ेगा, इसमें ना आवाज़ आएगी, जब आएगी पापा को बता देना ठीक है। तो भाई मेरे और यशु का खाना आ गया। हाँ जी बोलो। हॉट है, ध्यान से खाना। क्या नहीं है जूस? जूस मैंने बोला ही, तो जूस पीना है। ओके कौन सा? लेमन वाला। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी पार्टी में, और ऐसा है कुछ बर्थडे का सेलिब्रेशन, एक बार देख लो भाई। हमारे फूफा का 60th बर्थडे, और ये सीन है यहाँ पर। और हम ईशा और साइयश नहीं आए, यशु गया तैयार होके। ओ भाई ये देख लो, बिल्कुल जो जगह है ना वहाँ से देखो क्या दिख रहा है। अगर कोई दिल्ली में रहता तो उन सबको पता होगा इसे क्या बोलते हैं। और बचपन मैंने इसे देख के मैं बोलता था कि ये मेरा दोस्त है। तो ये यशिक मिल रहा है अपने भाई से, अयान से। हेलो हेलो यशिक, इधर शक्ल तो दिखाओ। हाँ जी ये देख लो, यहाँ पर देख लो। चलो चले घर चले, ये ऐसे ऑन नहीं होता, ऐसे ऑन नहीं होता। अरे बंद है माइक, बंद है, चलो चले। तो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को फर्स्ट सर्विस पे देने के लिए। जैसे कि ये 900 किलोमीटर के करीब चल चुकी है, मैं अभी दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो जी 899 मतलब 900 हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो हम जा रहे हैं इसकी फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, और कुछ प्लान्स हैं यार। फर्स्ट सर्विस उस दिन है, उसके बाद चलेंगे दिल्ली से कहीं बाहर, अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा क्योंकि भाई हर जगह पे बहुत हालत बुरी है। पहले सोचा था मनाली जाएंगे, मनाली में बुरी हाल हो रखी है। आप लोग न्यूज़ देखते हो तो, आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आपको पता ही चल जाएगा। बाकी देखते कहाँ जाते हैं अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो पक्का जाएंगे। और जाएगा कौन? मैं और मेरा फ्रेंड करण, बस दो लोग, ज़्यादा कोई नहीं। तो भाई गाड़ी दे दी हमने सर्विस के लिए, फर्स्ट सर्विस के लिए देखो ऐसे आगे लिख देते हैं। और फर्स्ट सर्विस में कुछ ज़्यादा होता नहीं, चेकअप वगैरह होगा। बाकी मैं सारा अपना सामान एक बार देख लेता हूँ, सामान पड़ा है ना अंदर। भैया कोई थैला मिल जाएगा सामान रखने के लिए? दे दो यार, गंदी देखो कितनी हो गई है, मैंने आज धुलवाई भी नहीं इसी चक्कर में। तो भाई यहाँ के लिए भी ना सीन अलग है, क्योंकि देख लो सारी गाड़ियाँ अपनी नॉर्मल हो खड़ी हैं, और जिमनी है मेरे ख्याल से तो पहली ही आई है यहाँ पर अभी सर्विस होने के लिए। और ये भैया हैं शिवराम सॉरी, इन्हीं से मैं अपनी सारी गाड़ियाँ सर्विस कराता हूँ। X6 भी यहीं होती है, और अपना इग्निस भी यहीं होती है। तो भाई गई अपनी गाड़ी सीधा धुलने के लिए, चलते अंदर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो भाई गाड़ी दे दी है, और अपनी दूसरी गाड़ी भी आ गई है, वीरेंद्र भैया लेने आ गए। चलते हैं घर, और घर से पहले कुछ सामान भी लेना भाई घर का। तो भाई गाड़ी तो दे आए थे हम सर्विस पे, उसके बाद आके लंच वगैरह करा, और फिर इतना आलस से सीन हो रहा ना आज, फिर वर्कआउट करने नहीं आ रहा। तो मैंने एक दो काम ही निपटा लेते हैं। तो मैं और यशविक जा रहे थे, अब चिमनी तो है नहीं, फिर आज ये निकाली कम से कम 2 हफ्ते बाद, इसमें चलते हैं। और हमें अपने रूम के लिए ऊपर के लिए लेने हैं रिक्लाइनर सीट, तो वो देखने चलते हैं। ओ भाई बहुत गर्मी है। अच्छा यशविक तो रहेगी बाहर, आजा आजा, चल तू यहाँ से आजा, फिर इसे देख लो जरा, आजा। तो भाई जा तो इधर अपना कीर्ति नगर पर जाते जाते देखो क्या उठा लिया। अगर कोई रजौरी में रहता तो उसे पता होगा ये क्या चीज है तो ऐसे कोल्ड कॉफी मतलब किसकी है।
और मैं और अमीशा शादी से पहले बहुत दबा के पीते थे और वही चस्का इसको भी लग गया है। ऐशिक, वैसे कॉफ़ी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, पर आप कम पीना ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। तो भाई हमने अपना रिक्लाइनर फाइनल कर लिया और वो भी विद इन 10 मिनट्स, और वहाँ पर ना वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, नहीं तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को भी दिखाता। बहुत अच्छा मिल गया है और बहुत अच्छे प्राइस पे, एक बार जब आ जाएगा ना तब दिखाऊंगा और उसका प्राइस भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा। स्ट्रगल इज रियल, गाड़ी लेने देखो कैसे जाना पड़ रहा है, पूरा बॉडी को शेक करके। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं और अपने दोस्त का ना फ़ायदा भी उठाया पूरा, सौरभ को मैंने बोल के यहाँ पर मेल डलवा दी थी और अपनी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग जो होती है वो मुफ्त हुई है, मुफ्त, और गाड़ी एकदम रेडी है। शाइन दिखा दो एक बार, गाड़ी का शाइन मार रही है, मस्त लग रही है, ये देख लो जबर भाई, ऐसा पूरी अंदर मतलब शक्ल दिख जाए, देखो देख लो मस्त शाइन कर रही है भैया, चमका दी है, मजेदार। चेक कर लीजिए आप, पूरी गाड़ी शाइन मार रही है, बढ़िया मस्त एकदम, बस इस पे PPF भी लग जाए ना और मजा आ जाएगा। तो गाइस अपनी गाड़ी तो सर्विस हो गई है और एकदम मस्त शाइन मार रही है, मैंने भी आपको दिखाया, बट एक चीज हो गई है, छोटा सा नुकसान, छोटा सा नुकसान मतलब क्या यार, यहाँ का ना ये कर्टन ऐसा ये गुम कर दिया इन्होंने और ये नहीं मिल रहा, और अभी सिंगल तो मिलेगा नहीं, लेने पड़ेंगे तो सारे के सारे पूरी गाड़ी के नए लेने पड़ेंगे। बाकी मैंने भेजा जाके बोलो चेक करो भाई अंदर। तो गाइस हम अपनी गाड़ी को सर्विस से लेके आ गए थे और ये कुछ डब्बे हैं जो मैंने अभी कुछ सामान पर नहीं, मतलब 3-4 चीजें ऑर्डर करी थी, मैंने अनबॉक्स नहीं करी, कुछ गाड़ी के सामान है कुछ और है, इसे अनबॉक्स करते हैं क्योंकि हमारी ट्रिप भी अब नजदीक आ रही है जहाँ पर हम अपनी जिमनी को लेके जाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था करण के साथ प्लान कर रहा हूँ मैं, बट अभी पूरा प्लान हुआ नहीं है, जैसे हो जाएगा मैं अपडेट दे दूंगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मेरे को मेरा बड़ा वाला चाकू नहीं मिला, मैंने इतना बड़ा वाला मंगा रखा था, तो आज इसी से काम चलाते हैं, बाकी कल देखते हैं क्या क्या है। अभी ये तो भाई डब्बे के अंदर डब्बा है, अभी इस डब्बे का देखते हैं ये क्या है क्या है। ओ ये है, ये हमने करा था ऑर्डर शाइनर, जो हमारे एलोए हैं और जो टायर है उसके लिए शाइनर है भाई कि उसमें शाइन रहे। वैसे तो आज सर्विस हो गई है तो शाइन तो कर ही है, बट तब भी इसे भी जोड़ लेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, ये है अपना टायर पॉलिश, एक बार आप देख सकते हो, इसे लगाएंगे टायर पे कल सुबह और चेक करेंगे कैसे शाइन मारते हैं। बाकी सेकेंड देखते हैं क्या है, तो इसे करते हैं अनबॉक्स। एक और चीज़ है ये भी हमें पता नहीं भाई, देखो एक के डब्बे के अंदर डब्बे दे रखे हैं, ये है सबसे काम की चीज है भाई। एक तो देखो ये है अपनी टोचे, जैसे अगर हमने कहीं ऑफ रोडिंग करी, हम जहाँ प्लान करें शायद हो सकता है ऑफ रोडिंग करनी पड़े, तो टो चेन का भी हमारी जिमनी फंस जाए तो इससे खुल जाएगी, खुल नहीं जाएगी सॉरी, इससे हम अपनी जिमनी को निकाल सकेंगे बाहर, कोई और गाड़ी हेल्प करेगी तो। और दूसरी मेन चीज़ भाई, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ये देख लो एक बार बाहर से इसमें क्या है, ये है अपना, अपनी गाड़ी में ना होल्डर नहीं है, ग्लास होल्डर, मतलब दो ग्लास रखने की जगह है, और कभी पार्टी वार्टी करनी हो कुछ करना हो किसी भी चीज़ के लिए ग्लास तो हरी गाड़ी में चाहिए चाहिए होते। ये है कुछ जिमनी के भी नई फिटिंग्स आई हैं, देखते हैं इसको, ये ऐसे करके है देखो, ये एक और खुल जाता है यहाँ से, ये टाइट होएगा और ये इसमें आ जाएगा, एक ग्लास इसके अंदर आ जाएगा, एक ग्लास इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल भी आ सकता है ऐसे करके। थोड़ी तो यूजफुल चीज़ें कल गाड़ी में सुबह लगाएंगे, तब देखते हैं क्या मतलब यूज़ की है भी कि नहीं है। बाकी लास्ट ऑर्डर हमारा रह गया है ये, थोड़ा कूड़ा हटा लें यहाँ से, ये लास्ट और भारी लग रहा है ये, मुझे याद भी नहीं भाई मैंने ऑर्डर क्या करा है, क्योंकि महीना से ऊपर हो गया, मैं अपने काम में कुछ ऑक्यूपाइड था ना, तो इन्हें अनबॉक्स कर पाया न कुछ। चलो ये भी कोई
काम की भाई, ये तो सबसे काम की चीज है, ये तो वैसे भी हर गाड़ी में होनी चाहिए, बट अगर कोई 4x4 गाड़ी है तो उसमें तो जरूर होनी चाहिए। ये है अपना पंप जो चलेगा चार्जर से, एक बार खोल के देख लेते हैं इसे। तो इसके साथ इसका ही गारंटी कार्ड, और ये है अपना पंप छोटा सा क्यूट सा, इसको कहीं पर भी रखेंगे। ये इसके आगे की नोजल्स है, तो ये नोजल सिलम की मोटा टायर है, बड़ा टायर है, किसी की नोजल बड़ी है छोटी है उसके लिए होगा। और ये हमारा छोटू सा पंप, इसे भी कल सुबह ट्राई करेंगे। तो गाइस ये थी हमारी कुछ चीजें जो मैंने इतने दिनों से अनबॉक्स करनी थी, अब फाइनली हो गई हैं। तो इसे कल गाड़ी में देखेंगे लगा के, पहले तो मैन ये लगाएंगे कितना यूजफुल है, इसकी अच्छा क्लिप भी है इसमें, इसमें क्लिप भी है, देखते हैं कितना यूजफुल है। बाकी पंप भी रखते हैं और इससे कल अपने टायर पे मार के शाइन देखते हैं क्या आ रही है। तो होप करता हूँ गाइज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शॉर्ट्स वाले जो है ना वो तो फटाफट सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं आप वीडियो देखते हो उसके बाद सब्सक्राइब करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं। फ्री है 100 रुपए का, वो फ्री है, सब्सक्राइब करो चैनल को कि मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी अच्छे से नए व्लॉग में।